हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम कॉन्सेप्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, और हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, RTE शिक्षा का अधिकार है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे इसके मुख्य प्रावधान, और साथ ही हम जानेंगे साक्षरता दर कि साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, और साथ ही जानेंगे कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर और बच्चे का जो रेशियो होता है वो किस अनुपात में होना चाहिए, और हम यह भी जानेंगे कि जूनियर स्कूल वगैरह में क्या अनुपात, क्या रेशियो होना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो पहले हम शुरू करते हैं शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन। अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो शिक्षा हमें कई प्रकार के संविधान ने अधिकार दिए, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है। उसी बेस पर एक हमें एक अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा आज की देन नहीं है, शिक्षा बहुत पहले से ही है। शिक्षा का अधिकार का मतलब ये नहीं कि इसके पहले हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे या हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार का सेंस ये गवर्नमेंट का क्या रहा है, प्रयास रहा है ताकि सभी को क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। शिक्षा के अधिकार का जो सीधा सा जो इसका उद्देश्य है, सभी को शिक्षा मिल सके, मतलब एजुकेशन टू ऑल, सभी को शिक्षा मिले, इसका मेन टारगेट ये है राइट टू एजुकेशन का। ठीक है, आप जानते हैं कि शिक्षा जो होता है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारे लाइफ में जीने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ ही हमें सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत पड़ती है शिक्षा। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक से लेकर के उसके नैतिक विकास, उसका सामाजिक विकास करता है। और शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो शिक्षा का अधिकार की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा का अधिकार जो लाया गया 86वें संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 का सेंस ये है कि जो शिक्षा के अधिकार का जो सेंस है उसको जो लाया गया है वो कब लाया गया था, 2002 में 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, उसको जो पारित किया गया, जो मतलब जो बिल था वो एक्ट में जो परिवर्तित हुआ वो कब परिवर्तित हुआ था, 2009 में। कब परिवर्तित हुआ, 2009 में। इसलिए इसको शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो RTE एक्ट का सेंस ये है कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार जो पारित हुआ था लोकसभा राज्यसभा दोनों में, जो वो क्या है 2009 में पारित हुआ, और जो प्रभावी रूप से जो लागू हुआ वो कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। अब यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो यहाँ पर बात शुरू हो गई थी 2002 में, जिसमें शिक्षा का अधिकार का सेंस है, और उसको जो पारित हुआ 2009 में, और 2009 के बाद 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया, केवल एक राज्य को छोड़ करके। उस राज्य का क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर। एक राज्य में इसका नहीं हुआ जो है जम्मू एंड कश्मीर, और उसने इस RTE एक्ट को स्वीकार नहीं किया। वो कौन सा राज्य था जिसने RTE एक्ट को नहीं स्वीकार किया, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हम देखा जाए जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो शिक्षा के बारे में जिक्र है संविधान में अन्य आर्टिकल में किया गया है। जैसे हम राज्य के नीति निदेशक तत्व को मान लें, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में बात कर लें तो अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 45। राज्य के नीति निदेशक तत्व का सेंस ये होता है कि ऐसे राज्य को दिए गए ऐसे निर्देश जो कि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य में उसको क्या करें, लागू करें। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत पहले से, जब संविधान का निर्माण हुआ था तभी से इसको लाया गया था। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 में जिक्र किया गया है कि जैसे काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतलब व्यक्ति जो भी हो, राज्य ऐसा प्रयास करे ताकि उनको व्यवसाय मिल सके, साथ ही उनको क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके, अनुच्छेद 41 में।
फिर अगर बात करेंगे अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, प्रावधान किया गया, यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तत्व शामिल है। क्या बताया गया कि राज्य क्या करेगा, राज्य कोशिश करेगा, कोशिश उसके द्वारा की जानी चाहिए कि सभी बच्चों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, मतलब 6 वर्ष के पूर्व के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या की जाए, प्रदान की जाए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, जो राज्य है, राज्य क्या करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सेंस ये है कि राज्य उसके लिए क्या होगा, बाध्यकारी नहीं होगा, उसके लिए वो प्रयास करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 में ऑलरेडी ये बताया गया था कि 0 मतलब 6 वर्ष से पूर्व या 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्यों के द्वारा दिलाई जाएगी, राज्य उसके लिए क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, तो यह चीज़ अनुच्छेद 45 में पहले जिक्र किया गया था। उसके बाद इसी घटनाक्रम को बढ़ाते हुए बाद में यही राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ पर शामिल हुआ, आपके मौलिक अधिकार के रूप में आया, फंडामेंटल राइट्स के रूप में आया। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार जो होता है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी अधिकार को, किसी भी व्यक्ति को दिए जाते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं, ताकि वो अपना सभी सर्वांगीण विकास कर सके। तो उसमें मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो 2009 में पारित हुआ, उसमें 21A अनुच्छेद 21A क्या किया गया था, जोड़ा गया था, 21A आर्टिकल क्या किया गया, जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसमें यह बताया गया इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। ठीक है, साथ ही हम ये जो इसके मुख्य प्रावधान क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। मतलब राज्य क्या करेगा, या केंद्र या राज्य सरकार का या कर्तव्य या उनका उत्तरदायी होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या की जाए, उपलब्ध की जाए। निःशुल्क का सेंस ये है बिना किसी फी के, बिना किसी फीस के। अनिवार्य शिक्षा मतलब कंपलसरी, कंपलसरी का सेंस ये है कि कोई भी जो स्कूल है, जैसे प्राइमरी स्कूल में इसकी व्यवस्था की गई है, जूनियर स्कूल में इसकी व्यवस्था की गई है, तो कोई भी स्कूल इसका मना नहीं कर सकता कि हम आपके बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे किसी जाति के बेस पर, किसी धर्म के बेस पर, या किसी गरीबी अमीरी के बेस पर, वो मना नहीं कर सकता कि हम आपके बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे। तो अनिवार्य शिक्षा का सेंस ये भी है कि यह हमारे जो भी है, अनिवार्य शिक्षा का सेंस ये है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनके आरंभिक बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से क्या की जाएगी, दी जाएगी। साथ में जो सेकंड इसका प्रावधान है ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्या होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब होता है जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में, तो हर स्कूल प्राइवेट, केवल गवर्नमेंट स्कूल में तो डिपेंडेंट रहा नहीं जा सकता, तो प्राइवेट स्कूलों को भी, जो निजी स्कूल होते हैं उनको भी निर्देश दिया गया कि जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनमें अगर निजी स्कूल में 100 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 100 सीटें, तो 100 सीटों में 25 सीटें जो होंगी, मतलब 100% में 25% जो सीटें होंगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो गरीब निम्न वर्ग के लोग होंगे, उनको क्या की जाएगी, रिजर्व रखी जाएगी, मतलब उनको दिया जाएगा, उनको मतलब रिजर्वेशन होगा, ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो किसी भी कंडीशन में, हर एक कंडीशन में शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कितना, 25% निजी स्कूलों के बेस पर, मतलब अगर निजी स्कूल को 100 सीट है तो उसमें 25 सीट जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए उनको रिजर्व रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनको अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो विकलांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, विकलांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था ये की गई है
कि जनरली ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो भी होंगे उनको क्या दी जाएगी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी, लेकिन 14 वर्ष के बाद की बात नहीं की गई है। लेकिन जो विकलांग होंगे उनके लिए 18 वर्ष तक की व्यवस्था की गई है। 18 वर्ष का सेंस ये है कि 18 ईयर्स मतलब 18 साल कि जो विकलांग व्यक्ति है उनका जो विकलांग है उसका बौद्धिक विकास थोड़ा उनको होने में समय लगता है, तो इस बीच पर क्या होता है उनकी समय अवधि के बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया कि आप 18 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखा जाए तो इसमें जो एक जो हमारा जो राइट RTE है, शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा को देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। केंद्र की भागीदारी होगी और साथ ही राज्य की भी भागीदारी होगी। जब RTE लाया गया, शिक्षा का अधिकार लाया गया, तो वहाँ पर अधिकार के साथ साथ क्या होते हैं, कर्तव्य भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कर्तव्य भी देखा गया, तो कर्तव्य के सेंस में फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र है अनुच्छेद 51A में जिक्र किया गया है, जिसमें एक कर्तव्य दिया गया है, जो भी अभिभावक होंगे, किसी भी परिवार के जो अभिभावक होंगे उनका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराएं, शिक्षा प्रदान कराने में उनकी क्या करें, मदद करें, स्कूल में भेजें। बहुत जगह आप देखते होंगे कि जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों के पढ़ाई में क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसको अनिवार्यता नहीं समझते हैं, जबकि सरकार निःशुल्क शिक्षा क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। तो इस बेस पर जब वो कर्तव्यों को अपना वहन नहीं कर रहे थे, उस बेस पर 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य यह जोड़ा गया कि अभिभावकों का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वो क्या करें, अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, उनको ताकि उनको वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो 51A में जो हो 51A में शिक्षा के बारे में बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो भी अभिभावक होंगे वो क्या करें, अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएं, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या है, भेजें, ठीक है। उसकी बात करेंगे जो RTE है, था शिक्षा का अधिकार था। ये शिक्षा का अधिकार कोई नई चीज़ नहीं आई थी, इसके पहले भी बहुत सारे देशों ने क्या किया था, इसको ग्रहण कर चुके थे, मतलब इसको अडॉप्ट कर चुके थे। लेकिन हमारा जो भारत था उसका वो 135वां उसका स्थान आता है। भारत 135वां देश था जिसने शिक्षा के अधिकार को क्या किया, ग्रहण किया। तो यह भी प्रश्न बनता है कि वो भारत कौन से स्थान का देश था जिसने शिक्षा के अधिकार RTE एक्ट को क्या किया, ग्रहण किया। तो 135वां क्या था, इसका स्थान था, ठीक है। किस राज्य ने नहीं एक्सेप्ट किया इसको, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अब हम साक्षरता दर की बात की करते हैं, तो जब शिक्षा की बात की है तो साक्षरता की बात कर लें। साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता का मतलब सिंपली ये होता है कि हमारे भारत, हर देश का अपना अलग अलग मानक होता है, लेकिन भारत के मानक की बात करें तो जो व्यक्ति केवल अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है, या हम यह कह दें जो लिख पढ़ लेता है सिंपल में, साधारण में, उसे हमारे देश में साक्षरता की संज्ञा दी गई कि ये साक्षर, यह व्यक्ति क्या है, साक्षर है, मतलब अनपढ़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नाम लिख लेता है या पढ़ लेता है, अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो उसको भी हम साक्षर मानेंगे। तो ये साक्षरता की क्या होती है, भारत में परिभाषा होती है, उसके मानक तय किए गए हैं। अगर हमारे माता पिता में कोई भी अपना नाम लिख लेता है या पढ़ लेता है तो वो भी क्या होंगे, साक्षर की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो देखा जाए साक्षरता दर के बेस पर देखा जाए तो भारत में पूरे इंडिया में देखा जाए तो पूरे भारत में देखा जाए तो मेल है वो 82% क्या है, साक्षर हैं। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल जो साक्षर है वो कितने हैं, 65% है, ठीक है। अगर राज्यों की बात की जाए, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल, वहाँ जो है 94% क्या है, साक्षर लोग हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता राज्य है, कम साक्षर लोग पाए जाते हैं, 64% वहाँ पर है। अगर हम द्वीप की बात कर लें तो आपका लक्षद्वीप आता है जिसमें 92% सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है, ठीक है। तो हमने आपसे बात किया शिक्षा के अधिकार के बारे में। शिक्षा के अधिकार में हमने बताया कि यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसके लिए बात शुरू हो चुकी थी,
फिर उसके बाद इसको 2009 में इसको पारित किया गया राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा। ठीक है, मतलब वो पारित हुआ, बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब जो है जो धारा वो जो बिल है वो एक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, अधिनियम में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो हमें इसे शिक्षा का अधिकार 2009 के आरटीई शिक्षा का अधिकार 2009 के नाम से जानते हैं। आइए प्रभावी रूप से जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू हुआ, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर राज्य ने केवल इसे नहीं स्वीकार किया, बाकी अन्य राज्यों ने इसे क्या किया, स्वीकार किया। अगर बात करें हम तो जम्मू एंड कश्मीर ने इसको क्या किया, स्वीकार नहीं किया। और इसका जो जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, उसी अनुच्छेद 21 में ए जो जोड़ा गया, क्लास ए जोड़ा गया, इसी में शिक्षा के अधिकार का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्राइम जो स्कूल में जो स्कूल खोलने का जो प्रावधान बताया गया कि जो स्कूल खुलेगा, प्राइमरी स्कूल खोलने की बात की गई, जो जून मिडिल क्लास के जो खोलने की बात की गई, वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या होंगे, स्कूल होंगे, बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि वो शिक्षा सहजता से ग्रहण कर सकें। तो इसलिए अगर वो किसी जगह पर कोई किसी का गांव है तो उससे 1 किलोमीटर के दायरे पर ये गवर्नमेंट स्कूल क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे, ताकि बच्चे आसानी से वहाँ पहुँच सके और शिक्षा क्या कर सके, ग्रहण कर सके। यह भी प्रश्न बनता है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और यह देखा जाए तो किसी भी प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा को विद्यार्थियों के बीच में जो रेशियो अनुपात होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, पर 35 प्रति प्राइमरी के बेस पर देखा जाए तो पर 30 विद्यार्थियों के पीछे, 30 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होना चाहिए। मतलब अगर कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो उनके हेल्प के लिए एक शिक्षक होगा, अगर 60 विद्यार्थी तो उनके लिए 2 शिक्षक होंगे, 90 होंगे तो उनके लिए 3 होंगे, लेकिन अगर 150 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें 5 शिक्षक प्लस एक क्या होगा, हेडमास्टर होगा, एक क्या होगा, हेडमास्टर होगा। अगर हम बात करें जूनियर, किसकी बात करें, जूनियर मिडिल क्लास जिसे हम लोग कहते हैं, तो मिडिल क्लास के लिए जूनियर के लिए क्या होगा, 35:1 मतलब पर 35 बच्चे में एक शिक्षक होगा, पर 35 बच्चे में क्या होगा, एक शिक्षक होगा। तो ये चीज़ बताई गई है कि जो भी मिडिल क्लास होंगे, मिडिल क्लास के लिए जो शिक्षक और अध्यापकों का जो रेशियो होगा, बच्चे और शिक्षकों शिक्षक का जो रेशियो होगा, प्राइमरी के बेस पर देखा जाए तो हर 30 बच्चों में एक शिक्षक। अगर हम जूनियर लेवल पर बात करें, मिडिल क्लास के बेस पर बात करें, 6, 7, 8 यानि क्लास, तो उसमें 35 बच्चों के पीछे एक बच्चा, 35 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।